Hey guys, what's up? Welcome back to another video. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विन लिटर फ्रॉस्ट वर्जन 3 के बारे में। सो विन लिटर फ्रॉस्ट का लेटेस्ट वर्जन आ गया है जो कि और भी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है और आज की इस वीडियो के अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट एक्स वाला इशू आ रहा था, साथ ही साथ GT5 को स्टार्ट करते वक्त ये स्टक हो जाता है, तो उस सभी का सॉल्यूशन दूंगा और साथ ही आपको विन लिटर फ्रॉस्ट की बेस्ट सेटिंग्स बताने वाला हूँ। सो वीडियो को देखना आप लोग शुरू से लेकर एंड तक, एंड चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। सो wasting any more time, let's get started amazing video. तो भाइयों, ये है हमारा विन लिटर फ्रॉस्ट वर्जन 3 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, गिटहब के अंदर ओपन सोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले इसे यहाँ पर ओपन करके अलाउ कर देना है, जिससे कि ये सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो भी इस एप्लीकेशन के अंदर है। तो जैसे ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए, आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अपना रेजोल्यूशन स्क्रीन साइज सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर ग्राफिक ड्राइवर में अगर आपके पास स्नैपड्रैगन है तो टर्निप सेलेक्ट करना, बट अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें स्नैपड्रैगन नहीं है तो आप VIRGL कर सकते हो। और शो FPS को आपको इनेबल करना है, वो क्यों करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों भाई करना है, इससे आपको एक्चुअल FPS पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर GPU नेम सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद RAM आपको यहाँ पर 4GB ही सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्लाइड करके जाना है एडवांस सेटिंग में। देन यहाँ पर बॉक्स 86 प्रीसेट को परफॉर्मेंस मोड और बॉक्स 64 प्रीसेट दोनों को परफॉर्मेंस मोड पे ही कर देना है। एंड आपको नीचे जो 32-bit कोर्स दिख रहे हैं सबको इनेबल कर दो भाई। उसके बाद की सेटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर राइट बटन पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस अब आपको मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पूरी देखनी है, वीडियो को एंड तक देखना है भाई। रन करेंगे हम इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके। देन यहाँ पर ना आपको सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर देना है, बैक बटन दबाओगे यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, फुल स्क्रीन हो गया। अब सबसे पहले आपको डायरेक्ट टेक्स्ट वाला इशू आता है ना, उसका सॉल्यूशन मेरे को मिल चुका है। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको इंस्टॉल वाला बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे, देन लास्ट से सेकंड वाला ऑप्शन जो मिलता है ना आपको, आपको उस पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे एक कमांड विंडो स्टार्ट हो जाएगी और भाई इस कमांड विंडो के अंदर ना आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंसली वेट करना है। बहुत सारे लोगों को खुजली होती है, वो कट कर देते हैं, भाई ये इंस्टॉल हो रहा है इसको होने दो। तो जैसे ही ये अपने आप क्लोज हो जाएगा तो समझ लो ये इंस्टॉल हो चुका है, आपका डायरेक्ट टेक्स्ट वाला इशू यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो ये जरूर आपको ट्राई करना है और तभी आपका जो है डायरेक्ट वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप गेम्स रन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, बट उससे पहले टास्क मैनेजर में जाएंगे, services.exe वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसको एंड कर देना है। तो इसको एंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपकी परफॉर्मेंस खाएगा बेफालतू में। उसके बाद GT5 प्ले करते वक्त भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। तो भाई जब GT5 चला लो ना आप, तो सबसे पहले वेट करना है, जब आपको यहाँ पर ग्लास फूटने की आवाज आएगी तो समझ लेना GT5 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जब आपका गेम स्टार्ट हो जाता है आपको जाना है टास्क मैनेजर में। तो देखो गेम स्टार्ट होगा, टास्क मैनेजर में जाऊंगा, देन यहाँ पर आपको GT5 की जो प्रोसेसर एफिनिटी है इसकी शुरुआत के सारे कोर्स ऑफ करने और लॉन्चर दोनों के ही आपको जो है प्रोसेसर एफिनिटी को 4 कोर्स शुरुआत के ऑफ कर देने, तभी आपका गेम शुरू होगा, नहीं तो लोडिंग में ही स्टक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली गेम्स में ये इशू आ रहा है इस विन लिटर के अंदर। तो जितने भी गेम्स होते हैं सब में आपको ये शायद करना पड़ सकता है, तो इसको आप जरूर ट्राई करना, ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब ये गेम स्टार्ट हो जाए तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो सेटिंग चेंज कर दी है, फुल स्क्रीन में गेम चला रहा हूँ और जो गेम की सेटिंग है वो भी मैंने बहुत ही कम कर दी है गाइस, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग में चलाओगे तभी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो देख सकते हो हमारा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और अभी आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी आप देखिए कितना प्लेएबल FPS मिल रहा है, गेम कितना स्मूथली चल रहा है, कोई भी लैग यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा। बट यहाँ पर जो हमारा FPS है ना ये दिखा रहा है बिल्कुल 19-20 कभी 15, तो ये जो FPS ना खराब दिखाता है, ये जो हमारा जिसमें परफॉर्मेंस जिसमें प्रोसेसर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन जो विन लिटर का डिफॉल्ट FPS काउंटर है उसमें दिखा रहा है 32, 40 FPS तक दिखा रहा है। तो भाइयों ये असली FPS है और मेरे को खुद फील हो रहा है कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसलिए मैंने FPS को इनेबल करवाया आपको, आपको पता चलना चाहिए जो FPS है काफी अच्छे मिलते हैं। तो ओवरऑल गाइस आप देख सकते हो इसमें परफॉर्मेंस अब काफी अच्छी मिल रही है, जो हमारा विन लिटर था उससे तो काफी अच्छे मिल रहे हैं विन लिटर फ्रॉस्ट में, और ये वर्जन 3 काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया इन्होंने इस बार, काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पर गेम प्ले मेरे को देखने को मिला है। अभी आप गेम प्ले भी देखोगे काफी स्मूथ होगा, बट एक चीज है कि जो आप मॉड्स वगैरह करते हो ना होराइजन एमुलेटर में, तो वो विन लिटर में काम नहीं करते, विन लिटर फ्रॉस्ट के अंदर भी वो चीज काम नहीं कर रही है, शायद इन फ्यूचर फिक्स हो जाए। जैसे वर्जन 3 आया इनका विन लिटर फ्रॉस्ट का, वैसे ही इन फ्यूचर आगे वर्जन आएंगे जो शायद बाकी की चीजें भी फिक्स करते जाए, और काफी अच्छा ऑप्टिमाइज एमुलेटर हो चुका है ये वाला। एंड गाइस यहाँ पर जब हमारा गेम अच्छे
अच्छे से चलने लग जाए ना, तो आप यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट जाकर एक बार फिर से GTA 5 लॉन्चर को एंड प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि अब लॉन्चर का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ गेम रन करना है। तो इससे भी आपकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी FPS के अंदर, गेम स्मूथ हो जाएगा, लोड कम पड़ेगा फोन के अंदर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंटली 30 FPS मिल रहे हैं, बट जैसे ही आप सिटी के अंदर जाओगे ना, तो आपके गेम में और भी ज्यादा लोड पड़ने वाला है। ऑब्वियसली भाई ये सारी चीजें ही मैटर करती हैं गेम के अंदर, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे गेम को उतना ज्यादा आपका FPS कम हो जाएगा। बट ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें 22 FPS के अराउंड आ रहे हैं, 22 FPS आ रहे हैं ओपन वर्ल्ड के अंदर भी, और यहाँ पर भी काफी कम यार आपको लैग देखने को मिल रहा है, काफी प्लेबल FPS हो चुके हैं अभी विनलेटर फ्रॉस्ट वर्जन 3 के, तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, आपको डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। सो यार गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अंदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।